देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते किसानी अंदोलन का अज 16वां दिन है। सरकार ते किसानों के विच लगातार मीटिंगा का दौर चलिया, पर हुण मीटिंगा का दौर समाप्त हो चुका है। किसानों की डोर टूक है कि खेती सुधार कानून जड़े ने वो रद्द करन, ता ही अंदोलन समाप्त होएगा। पर दूजे पासे बीजेपी लीडर ने भी साफ कर दिता कि कानून रद्द नहीं होणगे, संशोधन किसान जिन्नियां मर्जी उस दे विच करा लैन, पहला भी की है। जे होर भी कोई कमियां रह गई ने तो संशोधन करन वास्ते केंद्र सरकार लगातार तैयार है। गलबात करन लई साडे नाल मौजूद ने किसान आगू बलदेव सिंह सिरसा जी। सर, लगातार तुसी रद्द करन दी मांग कर रहे हो कानून। हरजीत सिंह गरेवाल नाल सवेरे गलबात हुई, उन्होंने साफ करता कि कानून रद्द नहीं होने, संशोधन जिन्नी मर्जी करा लैन किसान। जिहड़ा गरेवाल दी तुसी हरजीत सिंह गल करते हो ना, ये पता कौन आदमी? जिस तरह अबानिया अडानिया दे ये चापलूस, ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है, ये साडे देश का प्रधानमंत्री बदकिस्मती है कि अज इत्थे कारपोरेट घराने अबानी ते अडानी वह ने जिवें उन्होंने चलाउंदे ने। इस तरह स्टैप बाय स्टैप इन्होंने थले अगे अपने तोते रखे, ये सारे उन्होंने तोते ने। तो जिहड़ा तोता चूरी जिस कसम की खाता उदी बोली बोलूगा। जिहड़ा ये गरेवाल है ये अपने नंबर बना रहा, ये वेखण नू जिहड़ा वो बड़ी सोहनी दस्तार बनता, शरीर भी वाहवा तुहाडा गट्टा, ये अपने नंबर बना रहा, ये धमकियां दे रहा, नाल सानू बदनाम कर रहा, ये च माओवादी आ गया। वो तू किहड़े वादी है, तू ही दसो भई तुसी हुण तक की कीता? जड़े कानून कहते सो भी ये सारे किसान हितैषी ने, तो खुद मनिया कि नहीं मनिया? मैनमेंट कह दी, सोध कह दी? जो वह किसानों के हित च ने तो फिर तुसी उदे विच सोध किस गल दी करनी चाहते हो? सो इनू इहदा दिमाग खराब हो चुका है। ये सानू कदी माओवादी, मैं उन्होंने पूछना चाहना, कदी तुसी सानू कहिंदे हो खालिस्तानी, कदी कहिंदे हो अपने माओवादी, कदी सानू कहिंदे हो नक्सलाइट, कदी कहिंदे हो पाकिस्तानी, हुण कहना शुरू करता भी इस अंदोलन नू पाकिस्तान ते चाइना चला रहा। बाकी सब गल्लां छड़ दो, भारत दे समुचे जिहड़े साडे वकील साहिबान ने, बुद्धिजीवी वर्ग, राइटर, जिहड़े होर विद्वान ने, रागी, ढाडी, कविशर, चाहे वह हिंदू धर्म नाल संबंध रखते ने, धर्म धार्मिक लोग, वह स्वामी जिहड़े ने इत्थे साडे आके स्टेजां ते साडी सपोर्ट कर रहे हैं। जे असी इन्हां लोकां नूं छड़ दईए ते तुसी बाहर चल जाओ, उत्थों दे जिहड़े कांग्रेसी MP वगैरह ने वो किस तरह गल कर रहे हैं, आपां उत्थों भी अगे चल जाइए। संयुक्त राष्ट्र वाले सपोर्ट की है कि संयुक्त राष्ट्र नूं भी चाइना ते पाकिस्तान चला रहा है? उन्हां दा कहना है कि किसान आगू जिहड़े ने, किसान लीडर ने, उन्हां दा सत्कार है, उन्हां दे वास्ते कुछ इदां दी टिप्पणी नहीं है। पर इन्हां दे अंदोलन दे विच हुण कुछ इदां दे लोग शामिल हो चुके जिन्हां नूं बोलण दी इजाजत नहीं देनी चाहीदी सी किसानां नूं स्टेजां तों। तुसीं जो मर्जी बोली जाओ, तुसीं जो मर्जी करी जाओ, जे तुसीं सानू आगूआं नूं ठीक मन्नदे हो तो यार तुहाडे नाल इन्नियां मीटिंगां होईआं, असी 2 महीने पहला असी वेखो एक दिन चक्का बंदी काल दिती 25 सितंबर नूं, तुसी सानू उदों साथ लैंदे हो, फिर असी रेल ट्रैकों दे किते रेलवे ट्रैक ते गए उदों साथ लैंदे हो, फिर उस तों बाद तुहाडे नाल मीटिंगां होईआं, साडे नाल तुसीं उदों गल नहीं कीती। ते अज तुसी जे सानू समझदे हो भी वह ठीक ने, तो ठीक बंदियां दी गल भी तो ठीक है ना, सच्ची है, सही है, तो तुसीं अज तक साडे नाल फैसला क्यों नहीं किया? अजे भी कुछ नहीं जे विगड़िया। तुहाडी जिहड़ी सोच है ना, उहदे मैं भांडे भन्न दित्ते आ। जिहड़ियां इन्हां ने लड़कियां भेजियां, लड़के भेजे, जिवें कि हरियाणे दे जाट अंदोलन नूं फेल करन वास्ते उत्थे बलात्कार दे केस होए, सेम इत्थे उही कुछ होण जा रहा सी। उह तुहाडे भांडे भज गए, तुसीं शराबां इत्थे खिलातीआं, तुसीं साडे स्पीकरां च आवाज़ां दवातीआं, इस तरह गल नहीं बननी, बड़े सचेत हाँ। तुहाडी इक्को इक प्लैनिंग है, ये संघर्ष लंबा चले, लंबा चलेगा तो ये कोई शरारत करे तो फिर इतों ये लोग अपने आप
बगैर कुछ लिया उठ जाएंगे, पर तुहाडी इह पॉलिसी कामयाब नहीं होनी। अजे भी वास्ता जी उस खुदा दा, आ साडे ते तरस ना करो, आ लोकां ते करो, दिल्ली दे विच वस रही जनता उहदे ते तरस करो, उहनां दे विचारां दे की हालत ने। सो उहनां तरस करके ते इह सही मंगां ने, तिन्ने कानून जिहड़े फायदा ही कोई नहीं देंदे उह रद्द करो, जिहड़े खेती विरोधी ने, बिजली विरोधी जिहड़ा सोध बिल है वह रद्द करो, MSP पूरे भारत लागू करो, पराली के संबंध कानून लागू करो। तो जे रद्द तुसी नहीं करते, तुसी एक गल तो सानू दस दिओ कि जे तुसी रद्द करते हो तो सरकार का इहदे विच नुकसान की? वो कहंदे जी इस तरह कानून रद्द नहीं होंदे, जिस तरह किसान आगू रद्द करवाना चाहते ने, सीधी सीधी गल्लां कीतियां उन्होंने। उन्हां दा इक्को इक निशाना वह बड़ा लंबा चौड़ा है, वह कुछ होर है। असी उन्होंने ये गल कहनी, उन्होंने साढ़े ना भी गल्ला कीतियां भी असी होर बड़िया करतूतां कीतियां ने, ये पहली नहीं। उन्होंने 370 धारा भी तोड़ी, उन्होंने जिहड़ा सी ये काल ये भी काले कानून भी लेंदे, उन्होंने दीआं प्लैनिंगां बड़ियां वड्डियां ने, जिस करके उन्होंने होया भी ये साढ़े होर भी लोग जिहड़े ने जे अज मान लिया वह लोग भी खड़े हो जाएंगे भी जे वह कानून रद्द कीते आ तो साढ़े क्यों नहीं। उन्होंने सिर्फ ये आ, पर असी ये गल कहनी चाहुंदे आ कि अज सारा देश एक थां हो गया ते नाल विश्व दे लोग वह आ गए, वेला जे समझो ते एडे वड्डे कट्ठ मुड़के नहीं होने ते ना डरो। उन्हां दा कहना कि अंदोलन चलता रहूँगा कि लोग जड़े ने जड़े हुण साथ दे रहे ने वह अपने आप समझ जाऊंगे कि कित्थे गलत हो रहा कित्थे ठीक हो रहा, अंदोलन इस तरह ही अपने आप समाप्त हो जाएगा, कानून रद्द नहीं होने। तो दूजे पास एक होर अज वड्डा ऐलान होया कि BJP देश के 700 ज़िलों के प्रैस कॉन्फ्रेंसा चौपाल और सत्थ करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी कि जोड़े ये कानून ने वो किसानों के हक के ने। यह पहला पंजाब भी गए थे 13 सितंबर साधु सद के, 13 सितंबर सानू मीटिंग वास्ते सद के, तो आप मंत्रियों की फौज लैके पंजाब गए, फिर असी इन्हों हर गल गल करते हैं भी तुम एक काम करो भी आठ तुहानू किते किराए मिल जाएंगे, तुहानू पूरे भारत जाने की लोड़ नहीं, तुसी जिथे जिथे साढ़े धरने चल रहे अही तुहानू स्टेजा दे दिंदे आ, आ जाओ साडियां स्टेजा ते, लोग कट्ठे होए ने इत्थे इहनां नू समझा लो, तुहानू पूरे भारत जे जिहड़े 700 जिले ने उत्थे सारिआं ते जाण दी लोड़ ही नहीं, इत्थे ही आ जाओ, इत्थे आ के उहनां नू मना लो ते फिर वेखिओ असीं तां कुछ कह नहीं रहे तो ताड़ा हाल की होंगे, इतने समझा लो उन्होंने आ जन अं खुला सत्ता देने आउन। हुण वार्ता होएगी अगे कि नहीं होएगी, अंदोलन किस तरह चलेगा अगे, क्योंकि सरकार का तो जो रवैया सीगा या सरकार का जो स्टैंड सीगा वो पूरी तरह स्पष्ट हो चुका वा। असी उस गलते हैं हाँ जा ना, उस गलते हैं जड़ी गल हैगी है ये लोग अपने आप चले जाएंगे, ये समय दसेगा कि जेडे घर बैठे ने मेरे तुसी ना उत्थे अजनाले दीआं ट्रालियां बैठियां, उहनां लोकां नूं पुछो भई तुसी किहदे नाल जे ते किहदे नाल आए हो, जिहड़े घरां च बैठे सी ना जिन्हां नूं असीं 20-20 साल तों तरले लैंदे रहे भई आओ साडे नाल, उह साडे नाल नहीं सी तुरे, पर जदों हुण उहनां कोल इह आवाज़ गई आ, उहनां लोकां नूं पता लगा भई जे असीं अज वी ना उठे आउण वाले समें च साडे बच्चिआं दीआं जमीनां जायदादां नहीं रहिणियां, किधर नूं जावांगे, इहदा दिहाड़ी भी नहीं कर सकणगे। वह लोग आए ने दिन प्रति दिन, एक काफला होर वधेगा होर वधेगा, इहनां दे नक्क च जिवें असी रोड बंद कर रहे हां ना, मान लो मेरे नसीर फुट गई, तुसी डाक्टर जी मैं तुहाडे कोल गया, तुसी कहना रूल है, मैं कहना जी रूना भी नहीं रोकदा, फिर नाल मेरा गया जिहड़ा बच्चा गया वह फट गया रूह, इहदे तीले वेदे नक्क अज तो इस तरह अं इन्हां दे नक्क बंद करांगे, पर जिहड़े उत्थों दे आम लोग ने वह ना घबराउण, उन्हां दी दुध सब्जी उन्हां दे वास्ते जे कोई जो लोड़ पैगी सानू आके दसण, असीं उन्हां दे हर तरह के प्रबंध करांगे, उन्हां लोकां नूं तंग परेशान नहीं करांगे। जे सानू कहणगे साडे कोल आटा नहीं साडे कोल दाल सब्जी नहीं, तो साडे कोल ओह लोग बैठे ने साडे कोल कार सेवा वाले बैठे ने
ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਾਹਦੀ ਭੇਜਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਬੋਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕਤਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।